संभल जनपद को आने वाले त्योहारों के मद्देनजर 3 जोन 11 सेक्टर 11 सब सेक्टर में बांटकर होगी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले भर में किया गया फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में आगामी त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर संभल के पुलिस अधीक्षक श्री यमुना प्रसाद ने संभल जनपद को 3 जोन 11 सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा है, जिससे कि जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसी के चलते अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु संभल जिले में पुलिस अधीक्षक संभल ने फ्लैग मार्च करके यह संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी उल्लंघन न करे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। संभल जनपद पुलिस लगातार सक्रिय है। किसी भी तरह से कोई भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने एवं आपराधिक घटनाओं को करने की कोशिश कतई न करें। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेक्टर स्कीम लागू की गई है। पूरे जनपद में 3 जोन 11 सेक्टर 11 सब सेक्टर में बांटा गया है और लगातार टिकट और गश्त ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसी क्रम में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आने वाले त्यौहार और आने वाली व्यवस्था को देखते हुए सभी को सुरक्षित रखा गया है। सारा पुलिस बल हमारा चौकन्ना, हर टिकट और हर पॉइंट पर ड्यूटियाँ मुकम्मल रखी गई हैं। इसी के तहत आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ओके।